सो द नेक्स्ट स्नीकर इज फ्रॉम द ब्रांड मुजाफिया एंड इट इज दीज आर दी कितने रिटेक नेक्स्ट पेयर ऑफ स्नीकर्स आर द फ्रॉम Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to very exciting sneakers haul video and this is going to be from Myntra and sare sneakers bahut hi zyada affordable aur bahut hi zyada trendy and stylish hain. I hope aap logo ko is video mein se kuch na kuch apne liye zarur pasand aayega. So without any further ado, let's jump into this video. By the way, agar aap logo ne notice nahi kiya to maine apne baal wapas se chote kar liye hain. Jab maine अपना पहला YouTube वीडियो डाला था तब मेरे बाल ऑलमोस्ट इतनी लेंथ के थे, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे वो डेजा वो वाली चीज़ें होती हैं वैसा फील हो रहा है. बिल्कुल मेरे को ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील हो रही है. सो ओके, एनर्जी फील हो रही है तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो. ओके, जो पहला जूता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. मतलब कंफर्ट वाइज आप बात कर लो, कलर वाइज बात कर लो, प्राइस वाइज बात कर लो, तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ. तो जो फर्स्ट स्नीकर है दैट इज़ मुजाफिया ब्रांड से एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट कम्फर्ट इनसोल मिड टॉप कैनवास कॉन्ट्रास्ट सोल. इतना लंबा नाम है और इसमें मतलब ये सारे गुण उन्होंने ऐसे इनकॉर्पोरेट किए हैं जूते में. सबसे पहले तो ये ऐसे ना लेसअप डिटेल वाला शूज़ है. इसका आपके टो लेंथ से स्टार्ट होगा लेसअप डिटेल, लेसेस स्टार्ट होंगी और आपके एंकल तक जाएंगी. और द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे कि इस टाइप के जो ज़्यादा हाई एंकल के जो जूते आते हैं ना, जनरली उनका जो मटेरियल होता है वो PU मटेरियल होता है. तो आप अगर बूट्स में भी देखो तो उसमें ना आपका आप जब चलते हो तो आपका जो पैर है ना वो ऐसे मुड़ने में दिक्कत होती है जब आप चलते हो, तो यहाँ एंकल से मुड़ते नहीं है वो. बट इसमें क्या है, ये जो जूता है ना ये कैनवास मटेरियल का है. मतलब जैसे आपका कपड़ा नहीं होता है डेनिम वाले फैब्रिक का, उस मटेरियल का ये शूज है. तो आपको चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. मतलब आपका इसमें एंकल प्रॉपर जो वॉक वाला मूवमेंट है बहुत ही इजीली कर पाएगा. इसीलिए मुझे ये शूज बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. और इसका जो प्यारा सा पिंक कलर है वो तो एकदम मतलब ओवर द टॉप है, इस जूते को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है. व्हाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन कैन नेवर गो रॉन्ग. और मतलब मुझे इस जूते में सब कुछ सही लगा, कंफर्ट भी था और प्राइस वाइज भी इट वॉज वेरी अफोर्डेबल. इसका प्राइस था आई थिंक 899 और मैंने इसको लिया था इन दी साइज 3. तो ये जो नेक्स्ट स्नीकर है इट इज फ्रॉम दी सोल थ्रेड्स ब्रांड और ये है मिड टॉप स्नीकर. और ये बहुत ही सुंदर से लैवेंडर कलर में है. मतलब जब मैंने इस शूज को देखा और मैं ऐसे देखते ही रह गई, इतना ज्यादा प्यारा कलर है. मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है और ये मतलब इतना सुंदर लग रहा था. स्पेशली अगर आप इसको क्यूट सी ड्रेस के साथ कैरी करोगे तो एकदम चार चांद लगा देगा आपके लुक में और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. बट द ओनली कंसर्न वॉज जो मैंने पहले जूते में बताई ना कि उसका मटेरियल वॉज कैनवास, तो वो चलने में थोड़ा कंफर्टेबल था. इसमें ऐसा नहीं है, ये जो मटेरियल है ना ये PU मटेरियल है, तो आपका जो एंकल है इसमें प्रॉपर वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अगर आपको बहुत ही लंबा रास्ता चलना है ना तो ये शूज बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं. लुक्स वाइज दीज आर 10/10. अगर आपको ये शूज पहन के ज्यादा वॉक नहीं करना है, एज ए हाइकिंग वाइकिंग पे तो बिल्कुल मत चले जाना इनको पहन के, वरना आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे और मुझे भी गालियां दोगे. तो अगर आपको ये ऐसे नॉर्मली ओकेजन पे पहनना है ना तो गो फॉर दीज शूज. ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और लैवेंडर कलर तो समझ गए ना, मतलब कि है अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है. मैंने इसको लिया था इन दी साइज 4 एंड आई पेड ₹999 फॉर दिस. दिस पेयर ऑफ स्नीकर इज फ्रॉम द ब्रांड मुजाफिया एंड दीज आर दी विमेन रेड स्नीकर्स. और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है. आई थिंक दीज शुड बी स्टेबल इन योर वार्डरोब क्योंकि जनरली ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर्स तो सबके पास होते हैं, बट ऐसा थोड़ा सा जो रेड कलर का पॉपी कलर है ना, अगर आप ये पेयर किसी भी आउटफिट के साथ डालते हो तो आपका कैजुअल सा आउटफिट भी बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा सा दिखने लगता है, काफी अलग दिखने लगता है. तो मुझे लगता है कि इस कलर के शूज तो सबके पास होने ही चाहिए. और इनका क्वालिटी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. इनका जो मतलब मटेरियल था ना वो ऐसे कपड़े वाला मटेरियल था, कैनवस मटेरियल था, तो ये बहुत ही ईजिली आप वॉश कर सकते हो, इनको ईजिली क्लीन कर सकते हो. मतलब अमेजिंग क्वालिटी. इसका जो नीचे का सोल था वो भी काफी सुपर स्ट्रांग लग रहा था, तो काफी अच्छा चलेगा आपका ये जूता. और मैंने इसको लिया था इन दी साइज 3. फिर भी ये मेरे को ना थोड़ा सा लूज हो रहा था, पता नहीं क्यों, और ये स्मॉलेस्ट साइज था. और फॉर योर रेफरेंस माई फुट लेंथ इज 21.5 सेंटीमीटर और उसके अकॉर्डिंग मुझे साइज 3 एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए. स्टिल इट वॉज लिटिल बिट लूज फॉर मी एंड आई पेड ₹539 फॉर दिस. नेक्स्ट पेयर ऑफ स्नीकर्स आर फ्रॉम
ब्रांड बिग फॉक्स और ये है विमेन कंफर्ट इनसोल लाइट वेट स्नीकर्स और ये बहुत ही सुंदर से बेज कलर में है और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का डिटेलिंग दिया हुआ है ना उफ मतलब परफेक्ट स्नीकर्स हैं। मुझे इस टाइप के स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब एक वो ब्रांड था ना क्या नाम था उसका, अरे एक ब्रांड था ना जो जिसके बहुत सारे फिला फिला ओके ऐसे ना फिला के शूज़ आते हैं मेरे पास कॉलेज टाइम पे ना फिला के शूज़ की कॉपी हुआ करती थी, कॉपी नहीं क्या मतलब ऐसे फोर्थ फिफ्थ कॉपी होगी, मैंने ऐसे 700-800 रुपए में खरीदे थे और वो शूज़ इतने प्यारे लगते थे ना मुझे, इन शूज़ पे इतने कॉमेंट्स मिलते थे। ये शूज़ भी ना वो पिंक कलर के शूज़ थे, एकदम लाइट बेबी पिंक कलर के शूज़ थे और ये वाले शूज़ भी इतने ज़्यादा प्यारे हैं। बिल्कुल इनका जो स्टाइल है ना नीचे से थोड़े से हील इनका थोड़ा ज़्यादा होता है और देखने से ना ये बहुत ही बल्की और हैवी से लगते हैं, पर एक्चुअली में ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और मतलब दिस बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इज ना एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर मी और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। बट मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, मैंने इसको मंगाया था इन दी साइज 3 बट ये मुझे डिलीवर हुआ साइज 8 में। मतलब अगर एक दो साइज भी ऊपर होता ना तो मैं सोचती कि मैं डबल सॉक्स की लेयर पहन के मतलब कर चला लूंगी काम, बट ये मुझे 3 से सीधे 8 नंबर में रिसीव हुआ। तो ऐसा था कि मैं इनको रिटर्न करने वाली थी पर तभी मेरे मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे, उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्यों करना है रिटर्न, तो मैंने बताया कि ये 8 नंबर का जूता है। तो मेरे को लगा कि अरे ये तो पापा के साइज के बराबर है, तो मैंने फिर उनको शूज ये पहना के देखा तो उनको फिट हो गया। और ये शूज का थोड़ा सा स्टाइल जो है ना वो यूनिसेक्स है, मतलब उसको लड़का लड़की कोई भी पहन सकता है, कुछ पता नहीं पड़ता है कि ऐसा कुछ गर्ली सा इसमें है नहीं। तो फिर वो शूज अब मेरे पापा जी के हो गए हैं, अब मैं देख के उनको रोज आंसू बहाऊंगी कि ये शूज मेरे हो सकते थे पर ये मेरे ना हो के मेरे पापा के हो गए। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ठीक है अच्छे कोई बात। और मैंने इनके लिए पे किया 740 रुपीज जो कि मुझे लगता है सो वर्थ इट है। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज आर वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल और इन शूज को तो मैं बहुत बार पहन भी चुकी हूँ और मैंने पहन पहन के एकदम गंदे भी कर डाले हैं। तो ये हैं फ्रॉम द ब्रांड रेड टेप विमेन टेक्सचर्ड बेसिक स्नीकर्स और ये शूज का क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग और लुक वाइज ये देखने से इतने ज्यादा एलिगेंट और मतलब इतने रिच लुकिंग शूज है ना। तो इनका कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी लाइट बेज एंड वाइट और इसके ऊपर एक रेड टेप का बहुत ही प्रिटी सा लोगो बना हुआ है, वो इतना देखने में इतना एस्थेटिक एंड ब्यूटिफुल लग रहा है ना जूता। बट थोड़ा सा आपको इसमें कॉग्निजेंट होने की जरूरत है क्योंकि शूज थोड़े से गंदे जल्दी हो जाएंगे, बट इसका जो मटेरियल है ना वो एकदम वो वाला है, मतलब चिकना वाला फिनिश होता है ना, तो आप गीले कपड़े से अगर पोंछ दोगे तो वो क्लीन भी उतनी जल्दी हो जाएगा। और ये बहुत ही स्टर्डी शूज है, बहुत ही इजिली आपका जूता खराब नहीं होगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट इस जूते पे 3 महीने का वारंटी भी था जो कि मुझे लगता है इज एन अमेजिंग सर्विस। तो यही फायदा होता है अगर आप बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक ब्रांड से जूता लेते हो, तो आपको ये सारी सर्विसेज साथ में बहुत ही मतलब इजीली मिल जाती हैं। सो मैंने इसको लिया था इन दी साइज 3 एंड आई पेड रुपीज 1349। ये थोड़ा सा मतलब अपर रेंज में है शूज, बट आई विल लाइक से कि इट्स टोटली वर्थ इट। तो जो अगला स्नीकर है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बागाबुची और मुझे बार बार इसको बोलने में बहुत ही मजा आ रहा है, सो हम एक और बार बोलेंगे। सो जो अगला स्नीकर है दैट इज फ्रॉम द ब्रांड बागाबुची एंड दीज आर विमेन कलर्ड ब्लॉक स्नीकर्स और ये भी शूज बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, इतने ज्यादा सुंदर थे कि शूज जैसे ही आए मेरी माता श्री ने ये शूज पे अपना नाम लिख दिया कि ये जूते तो मेरे हैं। ओके मैं आपको इनके बारे में और बताती हूँ। तो ये बेसिकली व्हाइट स्नीकर्स हैं जिनके ऊपर ब्लू और व्हाइट कलर का डिटेलिंग है। व्हेन आई से ब्लू तो इट इज लाइट ब्लू, वो बहुत ही जो पेस्टल वाला ब्लू होता है और ये इतने सुंदर से स्नीकर्स हैं मतलब, और इनका जो जो ऊपर का सरफेस है ना वो भी बहुत ही इजी टू क्लीन है। इसका जो नीचे का सोल है वो काफ़ी मोटा थिक एंड स्टर्डी है, तो आपको बहुत ही मतलब कंफर्टेबल भी रहेगा और इसका अंदर का जो फुटबेड है वो काफ़ी कुशन्ड है, तो मुझे ये काफ़ी ना ऐसे कंफर्टेबल शूज लगे। मैंने इनको लिया था इन दी साइज 3 एंड आई पेड रुपीज 1299 फॉर दिस। तो जो अगला जूता है दिस इज ऑल्सो लाइक मेरा एकदम प्रिय जूता फ्रॉम दिस हॉल, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड एफ्रो जैक और ये है विमेन ब्लैक कलर ब्लॉक स्नीकर। ये भी है लेसअप डिटेल में और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर तक जाता है और इसका जो बाहर का आउटसोल है दैट इज ऑफ टेक्सचर्ड मटेरियल, कैनवस मटेरियल है, तो बहुत ही ईजिली आप इसको वॉश कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ईजिली वॉकेबल शूज़ है और लॉन्ग आवर्स के लिए भी आप ईजिली इसको प्रेफर कर सकते हो, अनलाइक दैट लेवेंडर वन क्योंकि उसका जो मटेरियल था दैट वॉज PU बट इसका मटेरियल
मटेरियल जो है वो डेनिम जैसा है, तो बहुत ही इजीली आप चल सकते हो इन जूतों में। तो मुझे ये शूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका जो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है, आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ बहुत ही ईजिली स्टाइल कर सकते हो इन शूज़ को। तो मतलब दैट इज़ द रीज़न आई लाइक दी शूज़। बेसिकली मैंने इनको लिया था इन दी साइज 3 एंड आई पेड रुपीज़ 679, और 679 रुपीज़ मेरे को इस जूतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी लग रहा है। तो आप मतलब यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दी शूज़। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन शूज़ के साथ भी आपको 3 मंथ्स का वारंटी मिलेगा। तो मतलब दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट, जब आप एक अच्छे ब्रांड से जूते बाय करते हो तो आपको ये सारी सर्विसेज ऐसे ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब उनको अपने जूतों पे कॉन्फिडेंस है कि 3 महीने से पहले तो तुम ख़राब करके नहीं दिखा सकते मुझे, तोड़ो तुम कितना तोड़ोगे, कितना चलोगे, कितना मतलब तुम भागोगे, तुम 3 महीने तक तो चला ही लोगे। दैट इज़ दी कॉन्फिडेंस वी डिज़ायर एज अ कस्टमर जो भी प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं। तो अच्छा, भाषण थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर जूते बहुत अच्छे। ओके, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेयर ऑफ दिस हॉल इज़ फ्रॉम द ब्रांड रेड टेप। एंड एज यू नो, मैं रेड टेप ब्रांड की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। तो इट इज़ द विमेन स्ट्राइप्ड स्नीकर, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन द वाइट कलर, एंड इट हैज़ अ ग्रीन डिटेलिंग ऑन दिस, एंड दी शूज़ आर लाइक प्योर एस्थेटिक। मेरा इनको पहनने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था ऐसे सजा के रख दूँ, ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब इसका फिटिंग, इसका कम्फर्ट, इसका जो फुटबेड था बहुत ही ज़्यादा कुशन था, इसका फिटिंग वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब इसने ऐसे मेरे पैर को ना एकदम हक कर लिया था, मेरे को मन कर रहा था बस इसको पहन के ना एकदम मिल्खा सिंह ही बन जाऊं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड इसके साथ भी मुझे 45 डेज़ का वारंटी मिला था इन जूतों के साथ, और इनका जो मटेरियल था दैट वाज इजीली लाइक क्लीन करने वाला था। आप गीला कपड़ा लो और पहुँच दो और एकदम मतलब दिस विल बी एज गुड एज न्यू। मैंने इनको लिया था इन दी साइज 3 एंड आई पेड रुपीज़ 1239 फॉर दिस। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग से हॉल वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ आई शुड ऑल्सो फिल्म अ लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट ऑन माई चैनल कॉन्टेंट। ओ माई गॉड, वट इज़ हैपनिंग टू माई एक्सेंट दीज डेज। ओके, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना लाइफस्टाइल कंटेंट भी फिल्म करना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब मैं करना चाहती हूँ, बट मतलब मुझे ऐसा डर है कि क्योंकि आई हैव स्टार्टेड एज अ फैशन और हॉल वीडियो चैनल, तो पता नहीं यूट्यूब की एल्गोरिदम सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। बट अभी लाइक आई डोंट हैव एज मेनी सब्सक्राइबर्स, सो आई कैन ईजिली इनकॉर्पोरेट दोज वीडियोज़ आई थिंक। बट मतलब इट ऑल्सो डिपेंड ऑन माई एग्जिस्टिंग ऑडियंस कि इफ दे वॉन्ट टू सी लाइफस्टाइल कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। माई गॉड, माई नेल्स आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ओके, तो अगर आपको देखना है लाइफस्टाइल कंटेंट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय लाइफ एज अ कॉर्पोरेट गर्ल एंड माय डे टू डे लाइफ एंड हाउ आई मैनेज थिंग्स विद यूट्यूब एंड माय ऑफिस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन मेक दोज वीडियोज एंड लेट्स सी इन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। नेक्स्ट पेयर ऑफ स्नीकर्स आर द फ्रॉम बागा बुच्ची। इसका नाम कितना फनी है, मच्छर है। आई पेड रुपीज 1299 फॉर दिस, भूल गई थी कितना पे किया। और मेरा उनको रिटर्न करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। मतलब अब आ गए थे पर मैं थोड़ी सी, मैंने को रिटर्न तो करना ही पड़ा। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ वैराइटीज अवेलेबल है फुटवेयर में। और ये किसका कॉल आ रहा है, एंड मुजाफिया एंड इट दीज आर दी कितनी रिटेक